हिंदुस्तान और से दंगल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलशेखर दुबे और आज मैं एक नया घोड़ा का वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक घोड़ा आने वाले ही रेसों की तैयारी कर रहा है। अब देखना यह है कि किन दंगलों में ये घोड़ा पार्टिसिपेट करता है। ये घोड़ा है कच्ची दरगाह पटना बिहार का और इसके मालिक हैं मुखिया जी और इस पर सवारी कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे सवार सवार दीपक यादव जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप सभी लोग घोड़े की शानदार पैरबाजी देख रहे हैं। घोड़ा बिना पैर बिगाड़े कितनी शानदार चालों में अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है। सवार दीपक के हाथों में ये घोड़ा कैसा काम कर रहा है आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बहुत सारे रेस का डेट आ चुका है, बहुत सारे मेला का डेट आ चुका है, तो मैं आज एक डेट इसमें बताने वाला हूँ। एक रेस रखा गया है रामगढ़ बन्नीपुर रामगढ़ कैमूर बिहार में, जिसमें स्थान पाने वाले घोड़े को चांदी का शील्ड दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों प्राइज चांदी का शील्ड है, वजन के हिसाब से अलग अलग। और रेस का डेट है 13 मई 2023। फिर से एक बार सुनिए, बन्नीपुर रामगढ़ कैमूर बिहार में रेस का आयोजन है, जिसमें स्थान पाने वाले घोड़े को चांदी का शील्ड दिया जाएगा। तीनों प्राइज चांदी का शील्ड है, वजन के हिसाब से अलग अलग। और रेस का डेट है 13 मई 2023। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बन्नीपुर रामगढ़ कैमूर में आप सभी लोग आइए और रेस के मान को बढ़ाइए और चांदी का शील्ड ले जाइए। और इसके आयोजक हैं संत सिंह जी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पर रहती है। रेस का इस बार दूसरा साल है, खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम रहता है। और ग्राउंड की बात करें तो लगभग 400 से 500 मीटर की ग्राउंड होगी, गोल चक्कर की राउंड होती है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए और रेस के मान को बढ़ाइए। अब जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हिंदुस्तान हॉर्स दंगल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात मैं और बता दूँ, हिंदुस्तान हॉर्स दंगल का एक फेसबुक पेज भी बना है, आप सभी लोग उस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़ते रहिए नया नया वीडियो देखने के लिए। हिंदुस्तान हॉर्स दंगल यूट्यूब चैनल और हिंदुस्तान हॉर्स दंगल फेसबुक पेज को आप सभी लोग फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आगे नया वीडियो लेकर।